लो हम लोग जो है अप्रैल के करंट अफेयर्स करते हैं। अप्रैल में करंट अफेयर में क्वेश्चंस और साथ में देखते रहेंगे, उनके आंसर्स कंफर्म करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से जम्मू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन ऑफ स्टेट लॉस ऑर्डर 2020। जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020। जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर एक तो था कि जिसमें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 360 मतलब जो वो स्पेशल प्रोविजन थे वो बंद किए गए थे। दूसरा ये था कि जम्मू कश्मीर को तोड़ के यूनियन टेरेटरी मतलब साथ ही हुआ था आई थिंक, और उनको जो है जम्मू कश्मीर अलग लद्दाख अलग। तो देखते हैं, पहला अंडर न्यू डेमिसाइल रूल ए पर्सन रिजाइडिंग इन जे एंड के फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स विल बी नाउ बी एलिजिबल एस ए डोमिसाइल पर्सन। सही है, डोमिसाइल के लिए 15 साल तो रहे वहाँ पे। और तहसीलदार शैल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इश्यूइंग द डोमिसाइल। सही है, तहसीलदार के लेवल पे ही हो जाता है, कोई बहुत बड़े लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। दोनों सही है, बोथ वन एंड टू, वन का सी होना चाहिए, वन का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस। देखो वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है कि आरबीआई का सीधे सीधे गवर्नमेंट के साथ, आरबीआई का किसी बैंक वैंक के साथ नहीं, सीधे गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के साथ। ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को अगर टेम्परेरी कहीं पे शॉर्टफॉल आता है, उनके बजट में पैसे की कमी पड़ती है, जैसे अभी कोरोना के टाइम में पड़ी थी, उनके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास दारू का पैसा नहीं आ रहा था, तो वो क्या करें, उनके पास कोई टैक्स नहीं उनके कलेक्ट हो पा रहे थे दारू के, पेट्रोल डीजल के, तो आरबीआई से वेज एंड मीन्स एडवांसेस का पैसा ले लिया, दारू की दुकानें तुरंत खोल दी। तो वही है, टेम्पररी लिक्विडिटी अरेंजमेंट है आरबीआई के साथ, और गवर्नमेंट कैन बारो मनी ओनली अप टू 15 डेज। तो गवर्नमेंट सेट करती है लिमिट कि कितने दिनों तक कर सकती है बारो, तो फिर जब पैसा आ जाएगा तो वापस करना ही पड़ेगा उनको। तो सेकेंड का ए है, मतलब पहला ही, और कितने दिन तक कर सकती है, आई थिंक 50 नहीं है, ज़्यादा दिन तक है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट चेक कर लेते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस आरबीआई, कुछ हुआ था अप्रैल में, लिमिट चेंज हुई थी, पहले 10-15 दिन का ही था लेकिन बढ़ाया गया था ना। वेज एंड मीन्स एडवांसेस विट्ठल कमेटी रामचंद्रन पेज बरुआ सुमित बोस, पैसा दिया है फॉर 2021, लिमिट इंक्रीज बाय 30%, इंक्रीज बाय 30%, टाइम का कहीं नहीं मिल रहा है। हाउ मेनी डेज, ये है इंडिया फाइट्स अगेंस्ट कोरोना, अगेंस्ट COVID-19, 90 डे एनपीए नॉर्म। वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट ऑफ स्टेट्स इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60%, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रिक्वायरमेंट ब्रॉट डाउन फ्रॉम 100 to 80%। ये मिला है मुझको, मुझको ये नहीं मिला कि कितने डेज तक है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट ही है, यानी कि दूसरे का वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टैक्स पेयर्स अवेल द सबका विकास लीगल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म टू सेटल देयर इनडायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट। सबका विश्वास, डोनेशन मेड टू पीएम केयर्स फंड विल बी 100% एग्जेम्प्ट ऑफ द इनकम टैक्स। आई थिंक पीएम केयर्स फंड में इनकम टैक्स से एग्जेम्प्शन तो नहीं है, और पहला सही लग रहा है मुझको, सिर्फ फर्स्ट सही लग रहा है, थर्ड का ए, हाँ फर्स्ट सही है। पीएम केयर्स फंड में जो पैसा जाएगा वो डोनेशन एग्जेम्प्ट वाला नहीं है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी इज द पॉलिसी गवर्निंग प्राइस कंट्रोल। अच्छा, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज द ऑर्डर बाय विच प्राइस कंट्रोल इज इन्फोर्स्ड। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी, ये तो सही लग रही है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज द ऑर्डर बाय विच प्राइस कंट्रोल इज इन्फोर्स्ड।
ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज द ऑर्डर बाय विच प्राइस कंट्रोल, दोनों सही लग रहे हैं मुझे तो। चौथे का बी, सेकेंड ओनली फर्स्ट नहीं है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी इज द पॉलिसी गवर्निंग प्राइस कंट्रोल, नहीं है कोई और है। अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एन एक्सपोर्टर कैन इम्पोर्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो ड्यूटी। कुछ तो याद है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है जो मटेरियल बनाती है एक्सपोर्ट के लिए, अब उसे किसी कच्चा माल चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो जो कैपिटल गुड है मतलब मशीनरी वाले इक्विपमेंट है वो जीरो ड्यूटी पे मंगा सकती है, ये तो समझ में आता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज द एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, DGFT, कॉमर्स इंडस्ट्री है, दोनों सही लग रहे हैं मुझको। फिफ्थ का सी, हाँ दोनों सही हैं, बोथ वन एंड टू। हेडक्वार्टर ऑफ तबलीगी जमात इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तबलीगी जमात दिल्ली में, छठे का सी अजमेर, तो लुच्चा हो गया। तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर अजमेर में, तबलीगी जमात का हेड क्वार्टर तबलीगी जमात हेडक्वार्टर एट मरकज निगामुद्दीन, हाँ तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर सभी को लगता है दिल्ली में होगा, मुझे भी लगता है दिल्ली में ही होगा, और तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर लिखा तो दिल्ली में ही, हेडक्वार्टर बंगला वाली मस्जिद निजामुद्दीन वेस्ट दिल्ली, दिल्ली में ही तो है हेडक्वार्टर। इस्टेब्लिश जरूर मेवात में हुआ था लेकिन है तो दिल्ली में निजामुद्दीन में, ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। सिक्स्थ दिल्ली ए होना चाहिए, इन्होंने सिक्स्थ का सी दे रखा है, यानी अजमेर। हो सकता है कि स्टार्ट हुई हो अजमेर से बट अब दिल्ली में है, बट चेक कर लेते हैं यार, ये विकिपीडिया में दिल्ली दे रखा है। हेड क्वार्टर ऑफ तबलीगी जमात कहाँ भाई है हेड क्वार्टर, निजामुद्दीन मरकज, दिख नहीं रहा कुछ, दिल्ली ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन अंबु बैग एंड कन्वेंशनल वेंटिलेटर। अंबु मतलब एयर, एयर बैग, ये शायद किसी IIT-वाईटी ने बनाए थे। अंबु बैग्स आर इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस वाइल कन्वेंशनल वेंटिलेटर्स आर नॉट, बोथ रिक्वायर कंटिन्यूस पावर सप्लाई टू ऑपरेट। मुझे लग रहा है कन्वेंशनल वेंटिलेटर को चलाए रखने के लिए हर समय पावर सप्लाई चाहिए होती है, अम्बु बैग को नहीं चाहिए होती, और अम्बु बैग इनएक्सपेंसिव तो है ही। खैर सेवन्थ का ए होना चाहिए, वन ओनली, सेवन्थ का ए है, वन ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी, कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी ये होती है कि जैसे किसी बंदे को कोरोना हुआ, उसकी बॉडी लड़ गई कोरोना से, तो उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गए सक्सेसफुली। अब ये एंटीबॉडीज जो हैं, अगर वो किसी उसकी ब्लड निकाल के पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें, या प्लाज्मा निकाल के किसी ऐसे बंदे दूसरे बंदे में लगा दें, तो वो भी कोरोना को लड़ने लायक बन जाएगा। ये अप्रूव्ड है WHO से, आई डोंट थिंक सो। पर एंटीबॉडीज फ्रॉम द रिकवर्ड कोरोना वायरस और ट्रांसफर टू क्रिटिकली एल पेशेंट, ये शायद सही है। तो एट्थ का सी, बोथ वन एंड टू दोनों सही हैं। कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी WHO से अप्रूव्ड है, ये देखना पड़ेगा। प्लाज्मा थेरेपी अप्रूव्ड बाय WHO, इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री डज यू टर्न ऑन प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी नॉट अप्रूव्ड, प्लाज्मा थेरेपी नॉट अप्रूव्ड फॉर COVID-19, US ड्रग अथॉरिटी कुड अलाउ, यार ये क्या है,
कन्वेलसेंट प्लाज्मा देखते हैं। अच्छा कन कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी एक्सपर्ट्स कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी बेस्ट बेट पर नो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी हैदराबाद में वो कन्वेलसेंट प्लाज्मा ट्रीट कोविड के लिए लगाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है कि WHO ने उसको अप्रूव कर दिया है। एक देख लेते हैं इसको कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में थोड़ा सा। व्हाट इज कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी एंड हाउ डज इट फाइट कोविड-19। कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी एन ओल्ड स्कूल वेपन अगेंस्ट डेडली इलनेस सर्वाइवर्स ब्लड। यस वैक्सीन इज येट टू मेटरलाइज। प्लाज्मा इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड कंटेन्स एंटीबॉडीज। एक्सट्रैक्टिंग प्लाज्मा फ्रॉम समवन दैट हैज कन्वेलसिड कन्वेलिस्ड और रिकवर्ड। अच्छा कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी मतलब रिकवर्ड के बंदे की प्लाज्मा की थेरेपी। कन्वेलसेंट मतलब रिकवर्ड फ्रॉम एन इलनेस माइट प्रोवाइड अ मच नीडेड बूस्ट टू द इम्यून सिस्टम समवन ग्रैपलिंग विद कोरोना वायरस। इन द पास्ट प्लाज्मा थेरेपी हैज बीन ए वेपन अगेंस्ट द 1918 फ्लू पोलियो मीजल्स रेबीज हेपेटाइटिस बी एंड एबोला। मोर रिसेंटली इट शोड सम प्रॉमिस इन सम कोरोना वाले सार्स एंड मर्स। देर इज रीजन टू बी होपफुल दैट प्लाज्मा थेरेपी कैन ऑल्सो हेल्प बैटल सार्स कोविड टू। प्लाज्मा ब्लड इज फोर मेन कंपोनेंट्स रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल सेल फ्रेगमेंट्स कॉल्ड प्लेटलेट्स। लिक्विड जो पोर्शन होता है वो प्लाज्मा होता है और वो 50% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम होता है। प्लाज्मा व्हाइट ब्लड का होता है स्ट्रॉ कलर फ्लूड होता है। ब्लड सेल प्रोटीन और सस्पेंडेड होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स होती हैं 1% होता है। प्लेटलेट्स ये भी 1% होता है। रेड ब्लड सेल 38 to 48% होता है। तो मतलब रेड ब्लड हो प्लाज्मा फिर उसके बाद व्हाइट ब्लड हो प्लेटलेट्स। प्लाज्मा थेरेपी कैसे हेल्प करेगी टू प्रिवेंट इन द फर्स्ट प्लेस। एंटीबॉडीज आर वाई शेप प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाई बी सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम। मिलियंस ऑफ बी सेल सर्कुलेट करती है अपनी बॉडी में। व्हेन ए बी सेल इनकाउंटर्स इट्स मैचिंग एंटीजन इट पम्प्स आउट डिस्टिंक्ट एंटीबॉडी दैट कैन न्यूट्रलाइज हार्मफुल इन्वेडर्स और मार्क देम फॉर डिस्ट्रक्शन बाई अदर इम्यून सिस्टम सेल्स नेमली टी सेल्स। टी सेल्स कैन रिमेम्बर पास्ट इन्फेक्शन एजेंट्स एंड किल देम इफ दे रीअपीयर ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19। अमेरिकन रेड क्रॉस इज अर्जिंग पीपल हु रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 टू डोनेट देयर प्लाज्मा टू हेल्प ट्रीट द सिक। ओके तो 8th का सी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सफर। रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑन 24/7 बेसिस विद कलर कोडिंग। इट्स प्रोवाइड्स हेल्थ एडवाइजरी टू प्रिपेयर सिटीजंस वेल इन एडवांस। ये दोनों सही लग रहे हैं मुझे। 9th का सी होना चाहिए। सफर कलर कोडेड एडवाइजरी देता है एयर कितनी अच्छी है खराब है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट HRD मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च हैक द क्राइसिस इंडिया इट्स ए पार्ट ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव। हैक द क्राइसिस इंडिया का मतलब ही हैक द क्राइसिस इंडिया चैप्टर। सही लग रहे दोनों स्टेटमेंट। पीपी डेवलप बाय DRDO हैज स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैब्रिक विद कोटिंग। इट हैज प्रिपेयर्ड ए स्पेशल सीलेंट बेस्ड ऑन द सीलेंट यूज इन सबमरीन एप्लीकेशन। अरे ये तो नहीं पता था मुझको।
11th का सी है, दोनों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड। इज द प्राइमरी फंड अवेलेबल विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर नोटिफाइड डिजास्टर्स। सेंटर कंट्रीब्यूट 75% ऑफ द एचडीआरएफ एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी। आई डोंट नो, 12th का सी दोनों सही है। इसका मतलब है कि जो स्टेट का डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है उसमें भी सेंटर देता है 25%। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीएम 2.5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स मैटर को पीएम 2.5 बोलते हैं। मोस्ट डेंजरस ये इसलिए होगा कि छोटे हैं पार्टिकल, तो वो एक तो नोज में कोई बैरियर होगा नहीं कि जो उनको पकड़ पाए, ट्रैप कर पाए। दूसरा, वो लंग्स में जमा होते रहेंगे और वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके, बायो एक्यूमुलेट होके वो जो हेल्थ सिस्टम है उसको जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। की सोर्स ऑफ पीएम 2.5 आर डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्री। सही लग रहे दोनों स्टेटमेंट। 13 का सी होना चाहिए, सी है। कंसीडर द फॉलोइंग 14th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरोग्य सेतु है। इट इज डेवलप्ड बाय नास्कॉम। नास्कॉम नहीं किया मेरे हिसाब से, आरोग्य सेतु है निक ने बनाया है। इट विल इनेबल पीपल टू एसेस डेवलप द रिस्क ऑफ केच इनेबल देम एसेस देमसेल्फ द रिस्क ऑफ केचिंग कोरोना वायरस इन्फेक्शन। दूसरा सही लग रहा है, पहला तो सही नहीं है। 14th का बी होना चाहिए, 14th का बी है। आरोग्य सेतु एप निक ने डेवलप किया है, बट स्टिल मैं कंफर्म कर लेता हूँ। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में विकी में कुछ लिखा होगा। आरोग्य सेतु ऐप द ब्रिज फॉर लिबरेशन फ्रॉम डिसीज, ओपन सोर्स है, सेल्फ असेसमेंट है, सिंड्रोमिक मैपिंग है। निक ने ही डेवलप किया, मैं सही बोल रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर हुआ है। 10 करोड़ इंस्टॉल हो चुके हैं। सिक्योरिटी कोड पब्लिक किया जा चुका है और 12 लैंग्वेज में है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने बनाया नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइती ने बनाया है। एपीआई एप मॉनिटरी कर रहे हैं। चलो आगे करते हैं। Consider the following statement regarding ENAM. ENAM, ENAM मुझे लग रहा है गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव टाइप है, जहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैनेज बाय स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऑल एग्रीकल्चर प्राइसिंग प्रोड्यूस प्राइसिंग मार्केटिंग एपीएमसी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी इन इंडिया हैव बीन लिंक्ड इन दिस प्लेटफॉर्म ईनैम। देख लेते हैं यार ईनैम क्या है, इधर उधर के मैं मारूं बकवास, उससे अच्छा मैं देख लूँ ईनैम। इतना पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उत्तम फसल उत्तम इनाम, रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेड एंड प्राइस, एक्सटेंडेड एक्सेस टू मार्केट। 1000 मंडी आ चुकी है ईनैम पे 15 मई पे। ईनैम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। आई थिंक ये डिजर्व करता है कि करंट अफेयर्स में आए। आज ये आए अप्रैल में। ये अप्रैल में इनेम, 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 नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। नई नई स्कीम्स इतनी सारी हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट।
रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेड एंड प्राइस। ई नेशनल एग्रीकल्चर, उत्तम फसल उत्तम इनाम, हेल्पिंग फार्मर्स गेट द राइट। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिससे बेस्ट प्राइस मिल सके ई नैम से। करीब 1 करोड़ फार्मर्स रजिस्टर भी हो चुके हैं। एक करोड़ फार्मर्स रजिस्टर भी हो चुके हैं। और सेलर्स भी रजिस्टर हो चुके हैं। सेलर तो फार्मर ही होंगे ना, बायर होंगी मंडी। और देखते हैं भाई, इनाम ऑनलाइन एग्रीकल्चर दोनों सही लग रहे हैं। 15वें का, 15वें का आंसर है क्या? 15वें का आंसर है ए, ऑनलाइन एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैनेज बाई स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस से सही है। 15वें का ए। 15वें का जो गलत है दूसरा स्टेटमेंट, ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैव बीन लिंक्ड। ऑल नहीं, लिंक्ड हुई, पार्शियल लिंकिंग हुई है। प्रोजेक्ट प्राण रिसेंटली सीन इन न्यूज। प्राण तो प्राण वायु को बोलते हैं भाई, एयर के लिए होगा, और एयर मतलब वेंटिलेटर के लिए। तो 16th का वेंटिलेटर वाला कौन सा ऑप्शन है? बी, 16 का बी होना चाहिए। 16 का बी सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस मॉनिटरिंग एंड रेस्क्यू यूनिट। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रेस्क्यू यूनिट, प्राइस मॉनिटरिंग एंड रेस्क्यू यूनिट द वाज रिसेंटली सेटअप इन जम्मू कश्मीर। इट हेल्प्स अथॉरिटी इन चेकिंग ओवर प्राइसिंग एंड एड्रेसिंग लोकल इश्यू ऑफ शॉर्टेज होल्डिंग इन COVID-19। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, पता नहीं लग रहा। 17वें का सी, दोनों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। RT-PCR है क्या? RT-PCR ये तो होता है रियल टाइम, RT मतलब रियल टाइम और PCR मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिटेक्ट्स द वायरस। रैपिड एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट डिटेक्ट द बॉडीज रिस्पॉन्स टू द वायरस। जो रैपिड वाले टेस्ट होते हैं वो एंटीबॉडी की वजह से देखते हैं, जो RT-PCR है वो एक्चुअल में वायरस देखता है। ये डिफरेंस है, दोनों सही लग रहे हैं मुझे तो। 18 का सी, दोनों सही है भी। RT-PCR वायरस देखता है, रैपिड टेस्ट एंटीबॉडी देखता है। फ्री टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 शैल बी अवेलेबल अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। शैल बी अवेलेबल मतलब हो गया आयुष्मान भारत में। टेस्टिंग कैन ओनली बी डन बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल से करा के पहुंच गए आप, गवर्नमेंट से पैसा लेना है। 19th का ए, पहला सही दूसरा नहीं, टेस्टिंग कहीं पे भी हो जाए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोटोटाइप वेंटिलेटर नेम जीवन इज डेवलप्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। द हार्ट ऑफ द डिवाइस इज कंप्रेस्ड एयर कंटेनर। सही लग रहे हैं यार, क्या बताएं। 20th का बी, पहला सही नहीं है। तो किसने प्रोटोटाइप वेंटिलेटर नाम जीवन किसने डेवलप किया है? प्रोटोटाइप वेंटिलेटर नाम जीवन, प्रोटोटाइप वेंटिलेटर जीवन, कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला मैन्युफैक्चर्स वेंटिलेटर प्रोटोटाइप जीवन। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला मैन्युफैक्चर्स लो कॉस्ट वेंटिलेटर प्रोटोटाइप जीवन और COVID-19 पेशेंट्स इन ए वीक्स टाइम। अच्छा, ये कब हो गया? हुआ तो है ही अब। ये रहा, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला आगे बढ़ते हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री, हम लोग कहाँ पे थे?
ये थे 20th पे, तो 20th का है, 20th का है बी, यानी कि टू ओनली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला है। सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विथ कोविड 19 हेल्थ क्राइसिस इज ए प्लेटफॉर्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विथ कोविड 19 हेल्थ क्राइसिस इज ए प्लेटफॉर्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मेडिकल हेल्थ प्रोफेसर, एन जी ओ, स्टार्टअप, वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, नो आइडिया। 21 का सी, स्टार्टअप एंड इनोवेशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अप्रूव नॉन ऑपरेशन ऑफ एमपी लैड फॉर 1 ईयर, ये तो सही है, एमपी लैड बंद है इस साल। फंड विल बी यूज टू स्ट्रेंथन गवर्नमेंट एफर्ट्स इन मैनेजिंग कोविड 19, दोनों सही है। 22 का सी, 22 का बी, 22 का बी यानी सेकेंड ओनली, मतलब क्या कहा पड़ा, एमपी लैड तो बंद है ना, लेकिन क्वेश्चन है कि कितने दिन के लिए बंद है, एक साल के लिए बंद है क्या, एमपी लैड फंड क्लोज्ड कितने सालों के लिए क्लोज है, एमपीलैड स्कीम बहुत पुरानी है, 93 से है, नरसिम्हा राव के टाइम से है। ये आई नहीं रहा कितने दिनों के लिए क्लोज हुई है, कैबिनेट पासेस ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड एम्पीलेट फंड टिल 2022, मतलब 20-21-22 तीन साल हो गए, तीन सालों के लिए सस्पेंड हो गई, तीन सालों के लिए सस्पेंड हो गई भाई, तो एक साल के लिए नहीं है, तीन साल के लिए सस्पेंड है 20-21-22। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या दो सालों के लिए होगी 20-21-22 में खुलेगा। यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस फॉर रिड्यूसिंग सैलरी बाय 30% एमपीस के लिए ना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड एंड अंडर 266, सही लग रहे हैं दोनों, इन एमपी वर्ड नहीं कहीं लिखा हुआ है। 23 का सी, एमपी इन्होंने अपने आप मान लिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइफ लाइन उड़ान लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, द पोर्टल टू ट्रैक देयर फ्लाइट इज डेवलप बाई निक, लाइफ लाइन उड़ान, पोर्टल टू ट्रैक देयर फ्लाइट, निक निक क्यों डेवलप करेगा यार। 24 का सी, दोनों सही है। टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनसीसी कैडेट इज बींग अलाउड अंडर एक्सरसाइज एनसीसी योगदान, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट of NCC cadets is being allowed under exercise NCC Yogdan. NCC is the youth wing of Indian Navy. नहीं, दूसरा तो सही नहीं है। 25 का A, पहला सही है। Consider the following statement. Malayalian tiger inhabits the southern and central part of the Malay Peninsula. Okay. It has been classified as endangered of the IUCN Red List. दोनों सही लग रहे हैं। 26वें में। A, पहला सही है। उससे सही नहीं, मलयालम टाइगर, मलयालम टाइगर, मलयालम टाइगर, मलयालम टाइगर, मलाया आईयूसीएन रेड लिस्ट में नहीं है, है तो मलयालम टाइगर इज ए टाइगर फ्रॉम पेंथेरा टिग्रिस टिग्रिस पेनिनसुलर मलेशिया, क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट इन 2015।
350 इंडिविजुअल बचे थे, अब 200 बचे हैं, चाइना वाले सब मार के खा गए। तो यार ये आईयूसीएन रेड लिस्ट में तो है मलेरियन टाइगर। सो द क्वेश्चन सेज इट हैज बीन क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। ये तो गड़बड़ है, इंडेंजर्ड नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसीलिए 26 का जो है 26 का ए दिया है। इंडेंजर्ड नहीं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है भाई। 26 इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डिफरेंस होता है, तो इसलिए सेकंड को उन्होंने सही नहीं माना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। एंटी मलेरियल ड्रग सही है, इट मे कॉज लीवर डैमेज, ये भी सही लग रहा है। 27 का, 27 का सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन कोवेसेंस इज ए रैपिड टेस्ट डिवाइस अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द डिवाइस इज कॉस्टलियर देन आरटीपीसीआर। एन कोवेसेंस देख लेते हैं यार, एन कोवेसेंस क्या है, एन कोवेसेंस मिला नहीं कुछ ऐसा। एन कॉफ सेंसेस क्या है इसका आंसर, 28 का ये पहला सही है। रैपिड टेस्ट बनाई थी डिवाइस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, बट ये आरटीपीसीआर से कॉस्टली निकली इसीलिए यूज नहीं की गई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीडी सेट। टेलीकॉम इट एजुकेट्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग टेलीकॉम सेक्टर। और जो टेलीकॉम सेक्टर बचा ही नहीं जियो के सिवा, पता नहीं किसके स्कूल सेटल करते हैं। इट्स हेड क्वार्टर इज इन मुंबई। दोनों सही लग रहे हैं। 29 का ए पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। टीडी सेट का हेड क्वार्टर, टीडी सेट टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट, टीडी सेट, टीडी सेट जो है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, साइंस है। हाँ दिल्ली में जी का पड़ता है, इसमें टीडी सेट दिल्ली में है, ना कि बॉम्बे में। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ग्रेट बैरियर रीफ तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में है। ओके 31st क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जी कोरोना के टाइम में जो है लगाया गया था, एस्टेब्लिश टू प्रिवेंट होल्डिंग ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। रिसेंटली द स्टेट्स आर बीइंग आस्क्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्वोक कर लें, ताकि कोई पेट्रोल डीजल मेडिसिंस या एसेंशियल कमोडिटी में खाने पीने का सामान इनको रोक ना सके। सही, दोनों सही लग रहे हैं मुझे। 31 का सी। 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इट विल प्रोवाइड मेजर फूड ग्रेन टू एनजीओस एट द ओपन मार्केट सेल स्कीम रेट्स। एनजीओस को देगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में खूब अनाज भरा हुआ है, तो ये एनजीओस को देते। इट प्लेज मेजर रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। मेजर रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, हाँ ये तो है, दोनों ही सही लग रहे हैं। 32 का सीन। द नाजल पासेस जेल इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। नाजल पासेस जेल पहली बार सुना, ऐसा पहली बार सुना है। 17-18 साल नाजल पासेस जेल, ये क्या है, आईआईटी बॉम्बे टू मेक जेल फॉर नोजल पासेस टू प्रिवेंट वायरस। आईआईटी बॉम्बे यानी कि 33 का ही, 33 का ए। आईआईटी बॉम्बे एक नोजल पासेस जेल बना रही है। पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की कोई न्यूज़ आई थी।
आईआईटी बॉम्बे डेवलपिंग नेजल जेल, भाई क्या हुआ उसका, बनी कि नहीं बनी? ए टीम ऑफ रिसर्चर्स आईआईटी बॉम्बे बायोसाइंसेस डिपार्टमेंट वर्किंग ऑन ए टेक्नोलॉजी टू कैप्चर एंड इनएक्टिवेट सार्स कोविड 19 टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज सपोर्टिंग दिस टेक्नोलॉजी बींग डेवलप्ड बाय प्रोफेसर किरण कोंदा बागेल। अच्छा बढ़िया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबन गाजर इज ए बायो फोर्टिफाइड टोमेटो वेराइटी, इट इज हाई इन बीटा कैरोटीन। मधुबन गाजर गुजरात में कहीं पे एक है, कोई फार्मर वो कर रहे हैं, फार्मर साइंटिस्ट आके। बायो फोर्टिफाइड टोमेटो तो नहीं होगा, गाजर ही होगा। दूसरा सही है, पहला गलत। 34 का टू होना चाहिए, बी। 34 का बी है। वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल, वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इन इंडिया। 35 का ये अहमदाबाद। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेटा साइंस बेस्ड टूल नाड़ी इज डेवलप्ड बाय सीडैक, सीडैक इज एन ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी। दोनों सही है। 36 का सी, दोनों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सारिन एंड क्लोरीन वर यूज फॉर केमिकल अटैक्स इन पैलेस्टीन इन 2017। पैलेस्टीन में क्यों यूज किए होंगे सारिन और क्लोरीन, तो सीरियन सिविल वॉर में हुए थे, और सीरियन सिविल वॉर का पैलेस्टाइन से कोई रिलेशन तो है नहीं। यूज ऑफ केमिकल्स इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड बाई इंटरनेशनल लॉ। हाँ, एक IAPCW है, इंटरनेशनल प्रोहिबिशन फॉर केमिकल वेपन्स, इंटरनेशनल प्रोहिबिशन ऑन केमिकल वेपन्स, केमिकल वेपन कन्वेंशन के तहत, लेकिन सीरिया में हुआ था। 37 का बी होना चाहिए। 37 का बी ही है, सारिन ईरान में यूज हुआ था, नहीं सीरिया में यूज हुआ था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट विल इंक्रीज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। मोबाइल फोन और पावर बैंक्स कैन बी यूज्ड एज ए पावर सोर्स फॉर हैंडहेल्ड डिजिटल थर्मामीटर। हैंडहेल्ड डिजिटल थर्मामीटर जिसको आजकल हर जगह यूज कर रहे हैं, मोबाइल बैंक से चार्ज हो सकता है, मोबाइल फोन से चार्ज हो सकता है, पावर बैंक से चार्ज हो सकता है, और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 38 का देखते हैं भाई क्या है। 38 का सी, दोनों सही है। हैंडहेल्ड जो थर्मामीटर है वो मोबाइल फोन से चार्ज हो जाता है। गमछा इज इन गमोछा इज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द पीपल ऑफ असम। 39 का बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चित्रा, एक्राइलो जॉर्ब सेक्रेशन सोलिडिफिकेशन सिस्टम। चित्रा क्या है ये, चित्रा एक्राइलो जॉर्ब सेक्रेशन सोलिडिफिकेशन सिस्टम, ये कुछ SCTIMST डिजाइन, चित्र एक्लोजॉर्ब सिक्रेशन सोलिडिफिकेशन। साइंटिस्ट डेवलप सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल। साइंटिस्ट डेवलप सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल टू चेक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या करेगा, टू टैकल द चैलेंज ऑफ कंट्रोलिंग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ए हाईली एफिशिएंट सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल दैट विल हेल्प इन सेफ डिस्पोजल ऑफ रेस्पिरेटरी सेक्रेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड पेशेंट्स। साइंटिस्ट है स्टेट रेंस चित्रा टेक्नोलॉजी तिरनल एक्राइलोजॉर्ब कैन एब्जॉर्ब लिक्विड 20 टाइम्स मोर देन इट्स ड्राई वेट, और ये इमोबिलाइज कर देगा कंटेमिनेटेड फूड को बाय सॉलिडिफाइंग इट। अच्छा, एक्राइल होगा एब्जॉर्ब करके, दैट्स अवॉइडिंग स्पिलेज एंड विल आल्सो डिसइंफेक्ट इट।
The canister containing the solidified waste can then be destroyed by incineration. अच्छा, अब समझा मैं पहली बार. A cryolysis suction canister will collect liquid respiratory secretion from ICU patients, जिनका copious secretions निकल रहा है. Safe and fit for disposal. Membranes tech to enrich oxygen supply. Spin-off company being funded by Department of Science and Technology enriches oxygen supply in the air. अच्छा, ये बात है. क्या इट इज ए सुपर एब्जॉर्बर मटेरियल फॉर एब्जॉर्बिंग इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस. कैनिस्टर कंटेनिंग द सॉलिडिफाइड वेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड. नहीं, कर सकते हैं, कैनिस्टर तो कर ही सकते हैं, फेक कुछ जला दो. और 40वें का ए पहला सही दूसरा गलत. कैनिस्टर यूज हो जाएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉल आर्मी वर्म. फॉल आर्मी वर्म एक वर्म है मक्के पे, मेज पे. नेटिव टू अफ्रीका है. इट कैन कॉज. नेटिव टू अफ्रीका नहीं, अमेरिका है. अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मक्के की फसल से निकला ये फॉल आर्मी वर्म. फिर अफ्रीका या फिर इंडिया आ रहा है. और सिग्निफिकेंट डैमेज तो कर ही सकता है क्रॉप्स को. तो दोनों सही हैं. 41 के 41 का डी. इधर 102. अच्छा, पहला तो गलत है ना. अफ्रीका का काम अमेरिका का है. और पीपल स्टेज में क्यों पत्तियां खाता है? पीपल नहीं, लार्वा स्टेज में. अच्छा, लार्वा स्टेज में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फूड ग्रेन सेल बी प्रोवाइडेड टू नॉन NFSA बेनिफिशरीज विद रेशन कार्ड ओनली. दे सेल रिसीव द बेनिफिट ऑफ फूड ग्रेन एज सब्सिडाइज्ड रेट फॉर 5 मंथ्स. 42 का ए पहला सही है, दूसरा सही नहीं है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट इंटरवेंशन स्कीम. इट इज मीन टू प्रोटेक्ट द ग्रोअर्स ऑफ पेरिसेबल कमोडिटीज. द स्टेट बियर्स हाफ द लॉस ऑफ प्रोक्योरमेंट. 43 का सी दोनों सही हैं. मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है कि ग्रोअर्स ऑफ पेरिसेबल कम्युनिटीज अगर कुछ होता है तो स्टेट उसका लॉस बेयर करेगी. मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट. बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइफेड इज टू प्रोवाइड गुड प्राइस फॉर ऑल फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टेड बाई द ट्राइब्स ऑफ दिस कंट्री. सही लग रहे हैं दोनों. 44 का ए पहला सही है, दूसरा नहीं. ये कैसे हो सकता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम. S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम. इट कैन साइमल्टेनियसली ट्रैक न्यूमरस इनकमिंग ऑब्जेक्ट एंड लॉन्च एप्रोप्रिएट मिसाइल्स टू न्यूट्रलाइज देम. इट्स ए लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम. 45 का सी दोनों सही है. S-400 जो है ट्रैक भी कर लेगा, लॉन्च भी कर लेगा, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर है. अनक क्राकातोवा आइलैंड. अनक क्राकातोवा तो इंडोनेशिया में है. 46 का ए अनक क्राकातोवा इंडोनेशिया में है. अनक क्राकातोवा की क्या प्रॉब्लम है भाई? अनक क्राकातोवा की अच्छा वोल्केनो इरप्ट जो किया था इंडोनेशिया में. अनक क्राकातोवा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना. हेल्थ केयर बजट, जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप, जन औषधि केंद्र. 47 सही है दोनों. कोविड ज्ञान गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट अवेयरनेस है. 48 का बी टू ओनली अवेयरनेस है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं है. तो कौन है भैया कोविड ज्ञान? कोविड ज्ञान अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं है तो कौन है? कोविड ज्ञान वेबसाइट गवर्नमेंट लॉन्चेस साइंस बेस्ड वेबसाइट. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किए गया.
ज्ञान, कोविड ज्ञान गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं, TIFR का है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट। प्रेजेंट टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द फिस्कल डिफिसिट इज 3.1। द गवर्नमेंट में एक्सीड द फिस्कल डेफिसिट टारगेट अंडर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। 49 का सी दोनों सही है। अभी टारगेट 3.1 का चल रहे लाए। पुथांडू इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पुथांडू तमिलनाडु नाम लग रहा है नाम से। 50 का ए तमिलनाडु, हाँ नाम सही लग रहा है। पुथांडू, पुथांडू, पुथांडू। तमिल न्यू ईयर, पुथांडू। वजुत कल, क्या क्या खाने के लिए बना है? केले रखे हैं, कुछ गोल गोल रखा है, जलेबी टाइप का कुछ रखा है। पुथांडू वजतु खल, बादाम व काजू भी रखे हैं। न्यू इंस्पिरेशन, न्यू होप, न्यू ड्रीम। ये है सारा मामला पुथांडू का। केले हैं गोल गोल, पता नहीं कि चक्र ऐसे क्या बने हैं। लड्डू हैं दो टाइप के, जलेबी है, बेसन का लड्डू है, बर्फी है। इधर ये पता नहीं क्या रखे हैं, समोसे टाइप। तो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निहंग। एनी पर्सन कैन बी, हम निकम दे ओरिजिन कैन बी ट्रेस बैक टू क्रिएशन ऑफ खालसा। दूसरा सही लग रहा है, पहले का पता नहीं। 51 का सी, एनी पर्सन कैन। अकॉर्डिंग टू ICMR रिकमेंडेशन, नो मोर देन 5 सैंपल्स आर अलाउड फॉर पूल सैम्पलिंग। ICMR इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी। कौन सा क्वेश्चन है? 52, 52 का सी, दोनों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। BC सखी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट है क्या? बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेल्फ ग्रुप, बैंक सखी या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट फॉर द बैंक। 53 का डी, नीदर वन नॉट टू। बैंक सखी बैंक के बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नहीं है, तो फिर बैंक सखी क्या है? अगर बैंक सखी बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नहीं है तो फिर क्या है? यूपी बैंक सखी योजना, पहले चरण में 58,000 भर्ती, 4,000 महीना कमीशन। गांव में नियुक्ति होगी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी, बदलेगा गांव का अर्थतंत्र। हर बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी को अगले 6 महीने तक सरकार देगी 4,000 रुपए। 4,000 रुपये महीना मिलेगा बैंक सखी को। ये तो भाई अच्छी चीज पता चली है। रेड कर लेना चाहिए मुझे। कब आई है स्कीम? मेरा खाता भाग्य विधाता, प्रधानमंत्री जनधन योजना का डायलॉग है। मेरा खाता भाग्य विधाता, 4,000 रुपये मिलेंगे बैंकिंग सिटी को। बैंक का दूध नहीं, बीसी सखी एंड बैंक सखी। देखिए भैया क्या है बैंक सखी? बैंक प्रवासी श्रमिकों के लिए बैंक सखी। बैंक सखी बन के महिलाएं समाएंगी बैंकों में कामकाज, क्या है ये? बैंकिंग लेन देनों को 53 गांव में खोली जा रही है बैंक सखी। योग्यवती ढूंढने नहीं मिल रहे, 4,000 रुपये मिलेगा, क्या
क्या है ये? कोई बैंक सखी बनने को तैयार ही नहीं है। डोर टू डोर बैंक फैसिलिटी, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर द बैंक ही तो हुआ है। 53 का, 53 का डी, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेल्फ हेल्प ग्रुप, दोनों सही लग रहे हैं मुझको। तो कोलैब कैड वर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय कोलैब कैड, क्या भी है कोलैब कैड? 54 का नीति आयोग, ऐसी कैसी चीजें आती कोलैब कैड ही लिखा था ना, कोलैब कैड, नीति आयोग, कोलैब कैड। थिंक ड्रॉ एंड डिजाइन 3D मॉडल्स विद कोलैब कैड, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड लिख लॉन्च कोलैब कैड। कोलैब कैड ये है ईटी गवर्नमेंट, देखते हैं भाई क्या है। एक कस्टमाइज और अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड निक जॉइंटली लॉन्च्ड कोलैब कैड, ए कंप्यूटर इनेबल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोवाइडिंग ए टोटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फ्रॉम 2D ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग 3D प्रोडक्ट डिजाइन। एम ऑफ दिस इनिशिएटिव टू प्रोवाइड ए गेट प्लेटफॉर्म टू स्टूडेंट्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब टू क्रिएट एंड मॉडिफाई 3D डिजाइन विद फ्री फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। The Atal Tinkering Lab established across India provide tinkering space to children. तो उनको एक 3D मॉडलिंग के लिए चाहिए था कस्टमाइज वर्जन, तो वो मिल गया कोलैब कैड। स्कूल स्टूडेंट्स बी रमन एम डी अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग वो लॉन्च कोलैब कैड ऑनलाइन वाइज सोशल मीडिया। नेम इज प्रोबाउट टू इनेबल डिजाइनिंग थ्रू कोलैब कैड इन 5,000 अटल टिंकरिंग लैब 25 लाख स्टूडेंट्स, 5,000 स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई है। तो कोलैब कैड पे काम कर लें, अच्छी बात है। कोलैब कैड कोलैब कैड 3D मॉडल्स के लिए नीति आयोग कम से कम अटल इनोवेशन मिशन तो चला ही रहा है और कोलैब कैड चला रहा है। नीति आयोग अटल टिंकरिंग, अटल इनोवेशन मिशन टिंकरिंग लैब, और अब आ गया कोलैब कैड। तो 32 कौन सा क्वेश्चन था? कोलैब कैड वाज लॉन्च बाय नीति आयोग। 54 का डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पत्तचित्र, बंगाल, ये तो उड़ीसा का है। थीम इज बेस्ड ऑन हिंदू मिथोलॉजी, उड़ीसा है। दूसरा गलत, मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है। 55 का ए, वन ओनली इन बंगाल ट्रेडिशन इज सेंटर्ड अराउंड कालिंग कालीघाट, नहीं तो पट्टचित्र कालीघाट में कहा हो गया है, पट्टचित्र कालीघाट में है नहीं, पट्टचित्र कालीघाट, कालीघाट का कहीं नाम है, कालीघाट भी है लेकिन मेन तो उड़ीसा है ना, कालीघाट भी है मतलब गलत नहीं है।
अच्छा, बंगाल में इट इज सेंटर्ड अराउंड कालीघाट है, थीम्स बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी, ऐसा है क्या? 55 का थीम इज बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी नहीं है क्या ये? पट्टचित्र तो फिर क्या है? 56, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रीमियम बर्डन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, रुपी 10,000 पर ईयर, 10,000 नहीं 6,000 पर ईयर है। 56 का ए, हाँ दूसरा कहलाता है। मोबाइल एप्लीकेशन सहयोग इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तीन मोबाइल ऐप कौन कौन याद रखेगा यार? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, IMF गवर्न बाय एन अकाउंटेबल टू द 189 मेंबर कंट्रीज, IMF सबको अकाउंटेबल है, प्राइमरी पर्पज इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, सही लग रहे हैं दोनों। 58 का सी, कलारी पट्टियू केरला का है, 59 का ए, मेरू जत्रा, मेरू जत्रा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेरू जत्रा उड़ीसा लग रहा है, 60 का ए। 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरोग्य सेतु, डेवलप्ड बाय निक, द ई पास फीचर इज येट टू गो एक्टिव ऑन द ऐप। 61 का सी, दोनों सही है, अब ई पास तो हो गया होगा एक्टिवेट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स नीड टू अंडरगो द स्क्रीनिंग प्रोसेस, कैटेगरी बी डू नॉट नीड टू अंडरगो द स्क्रीनिंग प्रोसेस, नहीं पता। 62 का डी, नीदर वन नॉट टू। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग करंटली कंट्री अप्रूव्ड पोटेंशियल मिसाइल डील विद इंडिया, मिसाइल डील तो यार सबके साथ ही इंडिया की होती रहती है, कहाँ कहाँ से मिसाइल खरीदता रहता है, यूएसए के साथ, हाँ आए थे यूएस के ट्रम्प, केंचो ट्रम्प तो हुआ होगा। त्रिपोली इज कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, लीबिया, त्रिपोली लीबिया। 64 का ए, 64 का ए। 65, द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर इज एन ई सर्वेलेंस एजेंसी इन इंडिया, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ई सर्वेलेंस एजेंसी इन इंडिया, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नहीं पता। 65 का ए, वन ओनली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर तो नहीं है। हैवी मेटल आयन कैन नॉट इजली बी एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, हैवी मेटल आयन कैन नॉट इजली बी एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, हैवी मेटल आयन कैन नॉट इजली बी एक्यूमुलेट, नहीं ऐसा नहीं, हैवी मेटल आयन एक्यूमुलेट होते हैं, दे कैन नॉट बी डिटॉक्सिफाइड बाई केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। हाँ, हैवी मेटल अगर डिपॉजिट हो जाएगा बॉडी में तो बॉडी उनको बायोलॉजिकली डिटॉक्स नहीं कर पाएगी, और केमिकली भी डिटॉक्स, केमिकली डिटॉक्स तो कर सकती है सर। 66 का डी, इधर वन नॉट टू, पहला तो गलत है ही और दूसरा भी गलत है। ए न्यू स्पीस ऑफ ग्रीन पिट वाइपर, ग्रीन पिट वाइपर पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, नहीं एक वो सांप ढूंढा गया था ग्रीन कलर का जिसका नाम रखा गया वो हैरी पॉटर की कॉमिक्स में जो मिलता था उसके नाम पे, और ये पक्के टाइम पीएवी का अंचल का, तो 67 का बी होना चाहिए, 67 का बी ही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चित्रा जनरल लैम्प एंड, चित्रा वाले बहुत कुछ कर रहे हैं, इट डिटेक्ट्स द एन जीन ऑफ सार्स कोविड टू, इट कैन डिटेक्ट टू रीजन ऑफ द जीन। 68 का सी, दोनों सही है, इट डिटेक्ट्स द इंजिन, डिटेक्ट टू रीजन ऑफ द जीन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किसान रथ ऐप, किसान रथ ऐप हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इट विल फैसिलिटेट फार्मर इन सर्चिंग देयर ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर द प्रोड्यूस, सही लग रहा है दोनों। 69 का सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाउसिंग बैंक इज एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड बैंक्स इज दैट NBFC डोंट गिव लोन, ऐसा तो नहीं NBFC लोन्स देते तो हैं,
एनबीएफसी क्या नहीं करते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी पहला सही है, 70 का ए पहला सही है, दूसरा गलत। एनबीएफसी लोन दे सकते हैं, तो एनबीएफसी क्या नहीं करते वो मैं बता देता हूँ। एनबीएफसी क्या नहीं करते, एनबीएफसी एनबीएफसी जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिनके पास फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं उनके ऊपर सुपरवाइज करने के लिए। बैंक रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसिंग जैसे इन्वेस्टमेंट, रिस्क पूलिंग, सेविंग, मार्केट बोरिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस फॉर्म, पॉन शॉप, कैशियर्स, चेक इश्यूअर, चेक कैशिंग लोकेशन, पेडे लेंडिंग, करेंसी एक्सचेंज, माइक्रो लोन ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनेंशियल सिस्टम में इनका रोल होता है। मार्केट मेकर्स हैं, लैक ऑफ रेगुलेशन। एनबीएफसी इंडिया में देखते हैं, एनबीएफसी इंडिया, एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंडिया में एनबीएफसी को रजिस्टर कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में, लोन दे सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, चिट फंड बिजनेस कर सकते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंश्योरेंस प्रिंसिपल इन एग्रीकल्चर, नहीं कर सकते। आरबीआई रेगुलेट करती है इंडिया में, आरबीआई एक्ट 1934 से। डेट कलेक्शन से जो उनके एजेंट हैं वो इंटिमिडेशन और हेरेसमेंट नहीं कर सकते, और केवाईसी नॉर्म्स होने चाहिए, कस्टमर की कुछ ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चक्रवर्ती कमेटी बनाई गई थी एनबीएफसी के लिए, और टाइप ऑफ एनबीएफसी इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, गोल्ड लोन की एनबीएफसी है, मुथूट हो गई, मनप्पुरम हो गई, मुथूट फिनकॉर्प भी एनबीएफसी ही है, इनके पास फुल बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया शेयर से लैंड बॉर्डर बिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इंडिया का बॉर्डर तो सबके साथ है, अफगानिस्तान के साथ वाखन कॉरिडोर से, पाकिस्तान माने ना माने हम तो मानते हैं, 71 का डी सबके साथ, अफगानिस्तान के साथ भी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफडीआई, 100% एफडीआई इज परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक रूट व्हेन ऑयल एंड गैस, एफडीआई इज कंप्लीटली परमिटेड। ऑयल एंड गैस में तो 100% परमिट हो ही गई होगा, बट बीपी सेल कर दी जाएगी तो एफडीआई की तो नहीं आएगी। बीपी सेल को खरीदा जाएगा तो एफडीआई से तो खरीदा जाएगा, कंप्लीटली परमिटेड एटमिक एनर्जी सेक्टर। देखते हैं एटमिक एनर्जी का क्या मामला है, 72 का सी दोनों सही, एटमिक एनर्जी में नहीं है। एटमिक एनर्जी में अगर तुम फॉरेन को इन्वॉल्व कर दोगे तो न्यूक्लियर बम बना ले जाएंगे वो, इंडिया में यूज कर देंगे इंडिया का गैस। विद रिगार्डिंग टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक। नहीं, आरबीआई मनी क्यों बोरो करेगी, रेपो रेट वो है जिसे आरबीआई बैंक्स को देता है, रिवर्स रिपो जिसे आरबीआई लेता है। रिवर्स रिपो इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू बैंक, दोनों गलत है, दोनों उल्टे लिखे हुए हैं। 73 का डी होना चाहिए।
Consider the following statement regarding glaciers. Glaciers are aegean whose jets are aligned with the observer's line of sight. Some glaciers are thought to host binary black holes in them. Kya hai glaciers? Blazar. Blazar. Space se kuch related lag raha hai. एनाटॉमी ऑफ ए ब्लेजर क्वाजर का भाई ब्लेजर हाउ क्वाजर एंड ब्लेजर आर बोथ द सेम थिंग जस्ट ओरिएंटेड डिफरेंटली इन रिस्पेक्ट टू अस क्वाजर का भाई है ब्लेजर एजियन हु जेट्स अलाइन विद द ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ साइट थॉट टू होस्ट माइनी ब्लैक होल इन देम 74 का सी दोनों सही है और Host Binary Black Hole. Which of the following South Asian country tops the list of recently released global compilation of child sexual abuse material? Child sexual abuse material India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka. Pakistan wale honge. 75 ka A. India? Sure. With regard to human coronaviruses, which of the following statements are correct? NL63 and HQ1 were first identified in Netherlands. MERS was transmitted to humans from dromedary camels. MERS to Saudi Arabia ke camels ka hi tha. Par ye NL63 aur HQ1 Netherlands mein hue the ki nahi hue the pata nahi. 26 ka sahi hai. NL63 aur HQ1 sabse pehle Netherlands mein identify hue the. NL63 और HQ1 ये है क्या NL63 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 अल्फा किसने बना दिया NL63 NL63 स्पीसीज है कोरोना वायरस का और 2004 में नीदरलैंड में एक छोटे 7 महीने के बच्चे को ब्रोंकाइटिस हो गया था इसकी वजह से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है और ईस्ट 2 को बाइंड कर लेता है ईस्ट 2 एक एंजाइम है सेल्स ऑफ द लंग आर्टरी हार्ट किडनी और ब्लड प्रेशर को लोअर करता है इसको बाइंड कर लेता है पकड़ लेता है Infection with the virus has been confirmed worldwide. Or upper respiratory tract infection. Young children also get it. Consider the following statement regarding World Economic Outlook report. It is published by IMF. Report is released twice in a year. World Economic Outlet. बाई एनुअल है कि क्वार्टरली 77 का सी दोनों सही है एक साल में दो बार और IMF विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स लिथियम हीलियम हाइड्रोजन लिलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम देखो बनने तो सब इन्हीं से हैं इन्हीं से 78 का बी तीनों है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम प्राइमोर्डियल एलिमेंट तीनों है हाइड्रोजन भी हीलियम भी लिथियम भी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल टाइफेक स्टेटरी बॉडी और क्या है ये तो पहली बार सुन नो टाइफेक के बारे में 79 का बी दूसरा सही है इट वाज एस्टैब्लिश इस पर रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कंपनी कोविड-19 इंडिया सेवा इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ Consider the following statement regarding ordinance to amend Epidemic Disease Act. Act of violence against healthcare victims have been bailable offense. Bailable to nahi hai. Or compensation for the damage to the vehicles of the healthcare workers will be made by the state government. Na. Jisne damage kiya usne nikala jayega. 81 ka D. Neither one nor two.
एपिडेमिक डिजीज एक्ट में है ही नहीं वैसे तो, ये तो अलग से आया था ना हेल्थ केयर वाला। इंडिया COVID-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? 82 का ये हेल्थ मिनिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी रिकॉर्डेड जूनोसिस? जूनोसिस मतलब एनिमल से आने वाला, एच आई वी है, बंदरों से आया था। मलेरिया, एवियन फ्लू, टॉफाइट, एवियन तो बर्ड से आता है, टाइफाइड नहीं है, टाइफाइड तो गंदे पानी से आता है। 83 को हटा दो, 83 में डी को हटा दो, हाँ 83 सब जूनोसिस हैं बट डी है, इनका कुछ और मामला है। 83 का ये क्या बोल रहे हैं, डी, और डी जो है वो क्या है, 1, 2, 3, हाँ टाइफाइड नहीं है, टाइफाइड जूनोसिस नहीं है, बाकी सब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेस्ट फलूदा, फलूदा जासूस, ये क्या बता देगा COVID-19? इट्स यूजेस कटिंग एज जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर Cas9, बट टेस्ट इज लिमिटेड ओनली टू COVID-19 डिसीज। दोनों गड़बड़ लग रहे हैं उसको। 84 का ये पहला सही, दूसरा गड़बड़, क्रिस्पर Cas9 सही है बट क्या है ये फलूदा, फलूदा Cas9, फलूदा क्रिस्पर टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट किट लग रहे हैं। टेस्ट रिजल्ट इन मिनट्स, फलूदा, फलूदा खाया है, एक टेस्ट किट है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे, क्रिस्पर विद इन मिनट्स बता देती है। बंगाली, दो बंगालियों ने बनाई है, CSIR लैब इन न्यू दिल्ली। कुछ यूज होता नहीं, सबका पता नहीं क्या एकदम फेमस करते रहते हैं। अनलाइक द RT-PCR टेस्ट करंटली बी यूज विच कॉस्ट अबाउट 4500, द पेपर स्ट्रिप लैब कॉस्ट लेस देन 500। It also does not rely on expensive RT-PCR manufacture for RNA isolation, DNA conversion and amplification. First indigenous kit, copy मार दिया Eastern Food Institute का। चलो आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement: N9 blue nano silver is highly potent antimicrobial agent. इंडिया इज थर्ड पोजिशन इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 85 का सी, दोनों सही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नहीं 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 एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो बाद में आती है, नेचुरल नहीं है। 86 का ए पहला सही, दूसरा गलत। विच कंट्री रिसेंटली मेट द लार्जेस्ट FDI इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म? फेसबुक, अमेजन, अलीबाबा, नेटफ्लिक्स। अलीबाबा को करने नहीं देंगे, नेटफ्लिक्स की औकात नहीं है, अमेजन की औकात है, फेसबुक की औकात है, बट फेसबुक ने किया था। 87 का ए फेसबुक ने किया था रिलायंस में। Which of the following nation recently launched its first military satellite? Noor, Iran. 88 Kasi. Consider the following statement regarding anthurium. It removes harmful airborne chemical. NASA is placed in the list of air purifier plants. सही लग रहा है। 89 का C, दोनों सही है। Anthurium दिखता कैसा है भाई? NASA ने air purifying plant में रख दिया है anthurium. और हार्मफुल एयरबॉर्न केमिकल। विद रिगार्ड टू द रिसेंटली रिलीज ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020, सेंट्रल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नो प्रोविजंस टू फैसिलिटेट ट्रेड इन इलेक्ट्रिसिटी। 90th का डी, दोनों गलत है। नैनो ब्लिट्स 3D, नैनो ब्लिट्स 3D क्या है यानी, नैनो ब्लिट्स 3D, नैनो
ब्लिट्स 3D साइंटिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर अवेलेबल नाउ नैनो ब्लिट्स 3D एंड 4D अवेलेबल नाउ नैनो फ्लिप इज यूज इन साइड इट परफॉर्म नैनो नैनो नेमलेट है क्या नैनो ब्लिट्स 3D नैनो ब्लिट्स 3D नैनो न्यू टूल कैन मैप नैनो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स लाइक मल्टी फेज अलॉय कंपोजिट्स एंड मल्टी लेयर कोटिंग्स नैनो ब्लिट्स 3D अच्छा और किसने लॉन्च किया है 91 का ए ऑटोनॉमस स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कासोवल ब्रिज सवाल हुआ का कसोवल ब्रिज कसोवल बीआरओ बिल्ड्स ब्रिज टू कनेक्ट कसोवल एनक्लेव अलोंग पॉटवाड़ा कसोवल ब्रिज 484 किलोमीटर लॉन्ग कसोवल ब्रिज इन पंजाब ओपन्स अहेड ऑफ टाइम बीआरओ BRO has constructed झेलम चुनाव में कहाँ है कसोल ब्रिज कसोल ब्रिज ऑन रवि रिवर अच्छा रवि इंटरचेंज पे लाओ रवि क्या है ये रवि रिवर पंजाब का कसोल इंक्लेव शेष भारत से स्थायी रूप से जुड़ा रवि रिवर पे कसोल इंक्लेव पंजाब मैं तो जम्मू कश्मीर में आता हूँ कुछ नहीं समझ में आता तो कसोवल ब्रिज पंजाब रवि रिवर तो आ जाते हैं कसोवल ब्रिज रवि रिवर पे बना था 92 का ए द इवेंट GW190412 क्या है यार ये GW190142 93 कस्सी ये मर्जर है दो अनइक्वल मास ब्लैक होल देखते हैं GW190142 कुछ नहीं आ रहा Access to COVID-19 tools accelerated is led by which of the following? 94 A WHO Consider the following instead of Benzyl Conium Chloride It acts against the bacteria skin irritant Yeh kahan aa gaya Benzyl Conium Chloride 95 Kabhi 2 only Skin irritant hai. CVC Central Vigilance Commissioner is appointed by President of India, non-statutory body. I think statutory 96 ka A, dusra galat hai, statutory. Hydrogen fuel, less efficient than internal combustion engine. The manufacture of hydrogen fuel is expensive. Less efficient to nahi hai, pehla galat hai. Expensive, dusra sahi hai. 97 ka B hona chahiye. With regard to the survey carried recently by CII, consider the following statement. 15% of them said the movement of raw materials of this one is looking like a 98 ka C. Only 10% of the plant functioning. SN 2010 KD. Ye kya hai? SN 2010 KD. SN 2010 KD. SN 2010 KD. Super luminous. सुपरनोवा सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा पहला ऑप्शन SN सुपरनोवा SN का मतलब ही है सुपरनोवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बासवेश्वर बासव अन्ना फाउंडिंग संत ऑफ लिंगायत ही एस्टेब्लिश अनुभव मंतप फर्स्ट सोशियो रिलीजियस
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 100 का सी, दोनों सही है। अनुभव मंतप, फर्स्ट सोशो रिलीजियस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और लिंगायत सेक्ट बसवेश्वर। एक्सरसाइज पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया 101 का सी। हेडक्वार्टर ऑफ ईडीबी मनीला, फिलीपींस मनीला 102 का ए। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न और इंडिया पहली बार रखा गया है, 103 का सी, दोनों सही है। एज पर द रिसेंट जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिविजुअल अथॉरिटीज और ऑफिसर्स कनेक्टेड टू ए डीम्ड यूनिवर्सिटी कम्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। डीम्ड यूनिवर्सिटी कम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म अनसर्टेनिटी इन सेक्शन 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। डीम्ड यूनिवर्सिटी कम विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म यूनिवर्सिटी इन सेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 104 का सी, दोनों सही है। पब्लिक यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट है। त्रिपोली इज द कैपिटल सिटी, त्रिपोली और लीबिया, टूनिशिया। त्रिपोली तो लीबिया की कैपिटल है, 105 का डी, हाँ लीबिया की। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एमनेस्टी, बिल गेट्स और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, 6 का सी, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम पंचायती राज, 107 का ए। स्पेशल 301 रिपोर्ट, 108 का ए, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या है, स्पेशल 301 रिपोर्ट, स्पेशल 301 रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डिपार्टमेंट, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड डिपार्टमेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, 108 का फर्स्ट। विद रिगार्ड्स टू स्पेशल 301 रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग, इंडिया इज प्लेस्ड इन यूएस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, हाई कस्टम ड्यूटी ऑन मेडिकल डिवाइसेस एंड आईटी आईसीटी वर वन ऑफ द हाईलाइट्स, 109 का सी, दोनों सही है। मेडिकल डिवाइस और आईसीटी को लेकर लड़ाई हो रही है। वेयर इज पीटर सेंट पीटर्सबर्ग, तो रसिया में यार, 110 का ये, रसिया। आई थिंक खत्म हो गया सारे।